आगे बढ़ गए, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज एक्शन बैठक आज हुई। आज टीकमगढ़ के अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को सीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने साफ निर्देश दिए, कहा माफिया गुंडे की दादागिरी क्षेत्र में ना चले। ये बात सीएम शिवराज ने कही है। कोई दया की आवश्यकता नहीं है, जुआरियों सटोरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। आवश्यकता हो तो बिजली उपकरण ना जलाएं, ये बात भी सीएम शिवराज ने कही है। बिजली बचाने की अपील भी यहां पर समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने की है। तो टीकमगढ़ के अधिकारियों के साथ में सीएम ने बड़ी बैठक ली। बैठक में तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके अलावा माफियाओं पर, गुंडों पर, बदमाशों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये बात सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक में कही है, मॉर्निंग बैठक में कही है। ये भी कहा कि कोई दया की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की कोई रियायतें ना दी जाए, जुआरियों सटोरियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। इसके अलावा बिजली उपकरण अगर आवश्यकता ना हो तो ना जलाएं, यानी बिजली बचाने की अपील भी बैठक में सीएम शिवराज ने की है। टीकमगढ़ के अधिकारियों के साथ बातचीत में ये बात कही है और स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे बदमाश, ऐसे गुंडे जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, जो लगातार आर्थन अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जुआरियों सटोरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात यहां पर सीएम शिवराज ने कही है, निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आवश्यकता ना होने पर बिजली की उपकरणों को बंद कर दें, बिजली की बचत करें, ये संदेश देने की कोशिश भी सीएम शिवराज ने आज की बैठक में की है। टीकमगढ़ के अधिकारियों के साथ में सीएम शिवराज ने बड़ी बैठक ली, मॉर्निंग एक्सरसाइज एक्शन बैठक। यहां पर सीएम शिवराज लगातार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के अफसरों के साथ लेते हैं और आज क्रम था टीकमगढ़ का। टीकमगढ़ के अधिकारियों के साथ में सीएम शिवराज ने बातचीत की, समीक्षा बैठक की और अफसरों को निर्देश दिए कि बदमाशों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अपराधियों पर बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जुआरियों सटोरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात सीएम शिवराज ने टीकमगढ़ के अफसरों को कही है। इसके अलावा बिजली बचाने का संदेश सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिया, कहा कि बिजली की बचत करें, आवश्यकता ना हो तो बिजली के उपकरण को बंद कर दें। ये तमाम निर्देश सीएम शिवराज ने आज की मॉर्निंग एक्सरसाइज एक्शन बैठक में टीकमगढ़ के अधिकारियों को दिए हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मॉर्निंग एक्सरसाइज एक्शन बैठक ली, टीकमगढ़ के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और जिले भर की तमाम योजनाओं को लेकर बातचीत की और वस्तुस्थिति से अवगत कराया। और करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी का। अमृतांशी, आज टीकमगढ़ के अधिकारियों के साथ में सीएम शिवराज ने बातचीत की है, क्या कुछ साफ निर्देश देते नजर आए? शुभम, मैं आपको बताना चाहती हूं कि सीएम की जो मॉर्निंग रूटीन बैठकें चालू हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि खास निर्देश आज की बैठक में ये दिए गए हैं कि जुआरियों और सटोरियों के खिलाफ यहां पर कड़ा अभियान चलाया जाए। सीएम का कहना है कि जो लगातार मध्य प्रदेश में जुआरी और सटोरी एक्टिव हो रहे हैं, इनको लेकर इन पे खास नजर रखी जाए और किसी को भी बख्शा नहीं जाए। साथ ही उन्होंने ये आज दोबारा ये वाली बात स्पष्ट की है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश में जारी रहे और किसी भी तरीके के अपराधी को बख्शा नहीं जाए, उन पर कोई दया भाव नहीं रखना है। उन्होंने सीधे कलेक्टर और अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि किसी भी अपराधी पर दया भाव दिखाने की कोई किसी को जरूरत नहीं है और लगातार से कड़ी कार्रवाई इन अपराधियों पर की जाए। साथ ही उन्होंने जुआरियों सटोरियों के खिलाफ भी एक अभियान चलाने की बात कही है, जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो जुआरी हम देखते हैं कि नजर आ रहे हैं, इसको लेकर पुलिस में भी मुठभेड़ सामने आती है जुआरियों से, तो इसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर कड़ा अभियान चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में इनकी जो हम कह सकते हैं जो चल रहा है पूरा सटोरियों का काम, वो काम तमाम किया जाए। साथ ही अगर हम अन्य चीजों की बात करें तो यहाँ पर और भी अन्य निर्देश देकर दिए गए हैं, खासकर विद्युत विभाग को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि बिजली बिल माफी जो जिले में है वो ठीक से हो नहीं रही है, क्योंकि देखिए सरकार लगातार हम देख रहे हैं बिजली बिल राहत योजना चला रही है, इसको लेकर सीएम शिवराज ने पहल भी की थी कि गरीब लोगों को सब्सिडी देकर बिजली बिल माफ किए जाएंगे। तो उन्होंने अधिकारियों कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि जो बिजली बिल माफी की योजना चल रही है, राहत की योजना चल रही है, उसमें ठीक से सारे काम किए जाएं और जो भी हकदार हैं, जो भी गरीब हैं, जल्द से जल्द कोरोना काल के उनके बिजली के बिल माफ कर दिए जाए, जो भी सब्सिडी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। साथ ही पर उन्होंने खास अपील भी करने को कही है कि जन अभियान चलाकर लोगों से अपील की जाए कि बिजली की बचत करें। देखिए मध्य प्रदेश में हम लगातार देखा हमने कि कोयला संकट कहीं ना कहीं था और बिजली की खपत भी प्रदेश में बढ़ी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कोयले और बिजली दोनों की खपत बढ़ जाती है। तो यहां पर उन्होंने अपील की है लोगों से कि बिजली की जो खपत है वो करें, लेकिन बचाएं बिजली। उन्होंने यहां पर कहा है कि जो बेवजह की बिजली है उसको खर्च ना करें और जो भी बिजली बचेगी उससे जो भी पैसा बचेगा, उन्होंने कहा,
उन्होंने ये चीज कही है कि 4,000 करोड़ रुपए तक अगर जनता ठीक से बिजली का इस्तेमाल करेगी तो 4,000 करोड़ रुपए तक यहाँ पर बच जाएंगे जो कि प्रदेश के अन्य कामों में लगाए जा सकते हैं। इन चीजों को लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज ठीक है हमारे साथ में एक बार फिर आपका रुख करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ेंगे।